नमस्कार दोस्तों, मैं प्रकाश कुमार सैनी, बाइक मैकेनिक ट्रेनिंग में आपका हार्दिक स्वागत है। आज आपको बता रहा हूँ बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक कि बाइक की जब सर्विस करते हैं वो स्टैंडर्ड प्रोसीजर से करते हैं, वो किस तरीके से करते हैं। यदि आप मैकेनिक और अच्छे मैकेनिक बनना चाहते हो तो ये प्रोसीजर आप अपनाओगे तो आप गाड़ी को 100% यानी 90% तो आप अच्छे से सही कर लोगे, वो सारी समस्याओं का समाधान हो जाएगा। तो सबसे पहले जब भी आप बाइक की सर्विसिंग स्टार्ट करना चाहते हो, सबसे पहले गाड़ी को धुलो, ये गाड़ी रहती है उसको अच्छे से साफ करो। यानी सर्विसिंग करते उस समय क्या करना है, क्या सावधानी, जब भी हम गाड़ी को धुलाई कर रहे हो तो सबसे पहले जो मेन मेन पार्ट्स रहते हैं, एसटी कॉइल रहते हैं, जितने सारे सेंसर रहते हैं, सीडीआई यूनिट रहती है, एसटी कॉइल रहती है, उन सबको थोड़ा सा ढक दो। एयर फिल्टर वाला जगह रहती है उसको भी ढक के रखो, क्या रहता है पानी चला जाएगा तो प्रॉब्लम आती है, ठीक है। और जो भी इसके अंदर सेंसर लगे रहते हैं उनमें पानी जाएगा तो प्रॉब्लम पड़ती है। और टंकी के नीचे की साइड में इस तरीके से प्रेशर कभी नहीं दिलाना चाहिए, क्योंकि इसके अंदर वायरिंग रहती है, वायरिंगों के अंदर पानी जाएगा तो फिर स्टार्टिंग करने में प्रॉब्लम होती है। जब भी आप गाड़ी की धुलाई कराओ तो अच्छे से कराओ, ठीक है, और जो मेन मेन जगह रहती है उनको कवर करके धुलाओ और ज़्यादा डायरेक्ट प्रेशर ना दो। सेकेंड रहता है इंजन ऑयल। जब गाड़ी आपकी धुलने के बाद आ गई, आप मेन स्टैंड पर खड़ा करो, इसके बाद इंजन ऑयल को चेक करो। ये वाला इंजन ऑयल जहाँ पर से इसको कैप खोलोगे तो हर एक गाड़ी का है कैप रहता है, वो तो उसको खोल के चेक करोगे कि सही है कि नहीं है। आप हाथ में लेके इस तरीके से चेक कर सकते हो तो उसकी विस्कोसिटी से पता चल जाता है, तरलता से पता चल जाता है कितना गाढ़ा है, कितना वो नरम बन गया है, ठीक है। तो हर सर्विस पे आप गाड़ी के ऑयल चेंज करो। ऑयल कब करना है आपको, 2500 से लेके 3000 किलोमीटर के बीच में ही आपको चेंज करना है। बाय द वे कभी कभी बहुत सारी गाड़ियाँ रखी रहती है तो उनमें ऑयल तो ख़राब नहीं होता, ऑयल या कोई भी पार्ट रहता है वो ख़राब कब होता है, जब गाड़ी चलती है। तो मैं आपको अगले वीडियो में आपको बताऊंगा कि कौन सा पार्ट्स कब बदलना चाहिए, ठीक है। तो मैं आज आपको बता रहा हूँ कि किस तरीके से आप स्टैंडर्ड प्रोसीजर से सर्विसिंग करोगे। सबसे पहले रहता है आपका क्लीनिंग, गाड़ी की धुलाई अच्छे से करना। सेकेंड रहता है ऑयल। ऑयल आप बदलवाओ तो आपको, मान लीजिए आपकी ये गाड़ी है, कोई सी भी गाड़ी हो, पल्सर, डिस्कवर, सिटी हंड्रेड, जो भी गाड़ी हो, करिश्मा, तो उसका जो ऑयल की ग्रेड रहती है उसी ऑयल का आपको उसके अंदर डालना है। और कितने क्वांटिटी में डालना है, तो कोई 900 ml रहता है, कोई 1000 ml रहता है, तो वही ऑयल उसके अंदर डालना है, ये बिल्कुल ध्यान रखना। कभी कभी क्या करते हैं, जिस गाड़ी में 900 ml डालता हो तो कभी कभी 1 लीटर हम डाल देते हैं तो वो गाड़ी के अंदर से ऑयल लीकेज होने लग जाता है। तो बहुत इंपॉर्टेंट रहता है ये ऑयल डालने पर। तीसरा रहता है एयर फिल्टर। तो इसके गाड़ी के अंदर एयर फिल्टर दो टाइप के रहते हैं, एक रहता है फोम का रहता है और दूसरा रहता है आपका क्या नाम से पेपर का। तो जो फोम का फिल्टर रहता है उसकी आप किस तरीके से सफाई करोगे, तो जब भी आप सर्विस करो 2500 से 3000 के बीच में, तो फोम फिल्टर को हमेशा मिट्टी के तेल से धुलना चाहिए, कभी भी पेट्रोल से यूज नहीं करना चाहिए। क्या रहता है, जैसे हमने पेट्रोल का यूज किया और उस फिल्टर को लगा देते, तो जब गाड़ी पिस्टन सक करता है तो उसमें ज़्यादा क्वांटिटी में एयर और फ्यूल का मिक्सचर चला जाता है, कुछ तो कार्बोरेटर से जाता है, कुछ एयर फिल्टर से जाता है, जिसकी वजह से बैक फायरिंग हो जाती है, इंजन में प्रॉब्लम आती है। और कभी कभी आपने देखा हो साइलेंसर पे फट 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 की आवाज़ आती है, जो बैक फायर रहता है। कभी भी आप पेट्रोल से ना धुलो, यदि आप है तो आप जो गाड़ी सुधरवाने के लिए आया है तो उससे बोल दो कि यार मिट्टी का तेल ले आना, उससे बहुत सारी सफाई भी हो जाएगी, चेन की सर्विस भी उससे हो जाएगी, एयर फिल्टर भी हो जाएगा और वो बहुत सारी जो बैरिंग वेरिंग रहती है उनकी सफाई भी हो जाएगी। तो ये आप उससे मंगा लो या फिर आप अपने पास रखो, उसका चार्ज आप ले लो उससे। तो ये एयर फिल्टर की सफाई अच्छे से करना, उसको खोलना, इसके बाद मिट्टी के तेल से अच्छे दबाना, इसके बाद उसको फटकारना, फटकारने में थोड़ा जब भी आप सूखने के बाद थोड़ा सा ऑयल उसके अंदर लगा लेना। तो ये एयर फिल्टर की स्टैंडर्ड प्रोसीजर रहता है। अब इस रहता है स्पार्क प्लग। तो हर एक गाड़ी में स्पार्क प्लग लगा रहता है, तो स्पार्क प्लग आप जब भी चेक करो तो स्पार्क प्लग का गैप चेक कर लेना चाहिए और उसके ऊपर कलर चेक कर लेना चाहिए, कौन सा कलर आ रहा है, ब्लैक आ रहा है या ब्राउन आ रहा है, तो ये बहुत आपको प्रॉब्लम दूर हो जाएगी। यदि आपका ब्लैक आ रहा है, समझ लो इसके अंदर ऑयल सिलेंडर के ऊपर आने लगा, जिसकी वजह से ऑयल आ जाता है, तो क्या ब्राउन धुआं देने लग जाता है साइलेंसर, और ब्लैक धुआं दे रहा है तो समझ जाइए कि आपका एयर फ्यूल कार्बोरेटर की प्रॉपर ट्यूनिंग नहीं है। तो आप स्पार्क प्लग से देख सकते हो, तो स्पार्क प्लग खोल के आप देख सकते हो, यदि कुछ नहीं है, कुछ भी नहीं आ रहा उसमें, तो आपका स्पार्क प्लग यानी बढ़िया है और गाड़ी भी आपकी बढ़िया। तो स्पार्क प्लग बहुत इंपॉर्टेंट रहता है, और स्पार्क प्लग आप कभी भी रखो अपनी गाड़ी में, एक स्पार्क प्लग या मैकेनिक को बोलो, आप किसी भी ग्राहक को बोलो कि आप अपनी गाड़ी में एक स्पार्क प्लग रखो, कभी भी शॉर्ट हो सकता है, और कभी कभी 10,000 किलोमीटर पर स्पार्क प्लग बदल देना चाहिए। अब रहता है बैटरी चार्जिंग।
यदि आप अच्छे मैकेनिक हो तो आपकी दुकान में एक बैटरी चार्जर होना जरूरी रहता है। क्या रहता है, कभी कभी सेल्फ काम नहीं कर रही बहुत सारे का, तो आप बैटरी को चार्ज करके उसको बता सकते हो कि यार इसकी बैटरी में प्रॉब्लम है। यदि बैटरी अच्छी है और प्रॉब्लम कर रहा है सेल्फ, तो आपको वायरिंग में प्रॉब्लम रहती है, तो बैटरी चार्जर आपके पास होना बहुत ज़रूरी रहता है। यदि आपका बैटरी का लेवल कम है, उसके अंदर जो डिजिटल वाटर डलता है उसको डाल दो। आजकल ड्राई बैटरी भी आ रही है और आपका पानी वाली बैटरी भी आ रही है, तो आप उसको चार्ज जरूर करो। अब रहता है आपका फ्रंट लीवर, ठीक है, फ्रंट ब्रेक रहता है, ये ब्रेक रहता है, ठीक है। और बहुत सारी जो गाड़ियाँ रहती है उसमें डिस्क ब्रेक लग रहता है, तो यहाँ पर क्या नाम से उसका मास्टर सिलेंडर लग रहता है, उसका लेवल चेक कर लो। लेवल कब चेक करना, गाड़ी को मेन स्टैंड पे खड़ा करना, इसी के बाद उसका लेवल चेक करना, मिनिमम और मैक्सिमम लेवल बताता है यदि आपका फ्रंट डिस्क ब्रेक है उसमें। और नॉर्मल है तो आप इसका फ्री प्ले जरूर देखना, ये इसके अंदर फ्री प्ले कम से कम 3 से 5 mm के बीच में फ्री प्ले होना जरूरी रहता है। इसी तरह आपका क्लच के वायर में भी फ्री प्ले होना जरूरी रहता है, पेडल में भी फ्री प्ले होना जरूरी रहता है। ये फ्री प्ले होना बहुत ज़रूरी है हर एक बाइक के अंदर, बाइक के वायर के अंदर। इसके बाद जो चेन की सिलेक्टेंस रहती है उसके अंदर भी 25 से 30 mm का फ्री प्ले होना चाहिए। पीछे वाले जो ब्रेक रहते हैं उसके अंदर भी 25 से 30 mm का फ्री प्ले होना जरूरी रहता है। यदि हम प्ले नहीं रखेंगे तो क्या होगा, क्या रहता है, यदि प्ले नहीं रखेंगे तो ये टाइट होके चलेगा, उससे रगड़ के चलेगा, जिसकी वजह से मान लो ब्रेक ही चिपक के चल रहा था, ब्रेक जल्दी ख़राब होगा, साथ साथ ब्रेक डंप भी ख़राब होगा। तो फ्री प्ले आपको बहुत इंपॉर्टेंट है, क्लच का रखना है, आगे वाले ब्रेक का रखना है, चेन का रखना है और पीछे वाले रियल ब्रेक का रखना है। इसके बाद जो क्या नाम से जो स्विच रहते हैं, ब्रेक लाइट स्विच, इसके बाद आपका हेडलाइट स्विच, इनमें भी फ्री प्ले होना जरूरी रहता है, तो इसको भी आप बराबर तरीके से चेक करो। इसके बाद शॉक एब्जॉर्बर, ये शॉक एब्जॉर्बर आपको दिख रहा हूँ, ये शॉक एब्जॉर्बर को भी आप एडजस्ट कर सकते हो। यदि कोई प्रॉब्लम बता रहा है कि आप मेरे दचके ज़्यादा लग रहा है, तो आप इसको एडजस्ट करते हो। तो यहाँ पर एडजस्टर रहता है, हर एक गाड़ी में रहता है, 5 पोजिशन रहती है, फर्स्ट सेकेंड थर्ड फोर्थ। लेकिन जब भी आप शॉक को एडजस्ट करो, इसको बराबर करना चाहिए, ये वाले सोकअप को और इस वाले सोकअप की पोजीशन को बराबर सेट करना चाहिए। जैसे ही आप चेन को टाइट करते हो, लूज हो जाती है, तो यहाँ पर एक मार्क लगा रहता है, दोनों जगह मार्क बिल्कुल बराबर होना चाहिए, दोनों साइडों पे मार्क ले रहता है, वो बिल्कुल बराबर होना चाहिए। तो क्या रहता है, ये एक स्टैंडर्ड प्रोसीजर रहता है। यदि हमने मार्क से इधर उधर, मान लो ये 3 पे और उधर 2 पे है, तो क्या रहता है, अनबैलेंस हो जाता है, जिसकी वजह से पहिया एक तरफ से घिसने लग जाता है। इसलिए जब भी आप चेन की सेटिंग करो तो दो मार्क देख कर ही करवाना चाहिए, और आपको करना चाहिए, आप अच्छे मैकेनिक हो तो आपको ये पॉइंट जरूर यूज करना चाहिए, ठीक है, तभी आप अच्छे मैकेनिक बन पाओगे। तो ये मैं आपके लिए बिल्कुल बता रहा हूँ, बिल्कुल आपके लिए ये कोई नहीं बताता, लेकिन मैं आपके लिए बता रहा हूँ। तो यदि आप मेरे चैनल पर पहली बार आए हो तो मेरे चैनल को प्लीज़ लाइक करो और मेरे चैनल को सब्सक्राइब करो। और अब मैं आपको सबसे इम्पोर्टेंट चीज़ बता रहा हूँ, सबसे पहले कार्बोरेटर की ट्यूनिंग। ये कार्बोरेटर रहता है, कार्बोरेटर का मेन काम रहता है हवा और पेट्रोल के मिक्सचर को तैयार करके सिलेंडर के अंदर भेजना। जब भी आप कार्बोरेटर की ट्यूनिंग करो, यानी एवरेज सेट करो, तो गाड़ी को कम से कम 5 5 किलोमीटर चलाने के बाद ही सेट करना चाहिए। तो मैंने बहुत सारे वीडियो बनाए बाइक बाइक माइलेज सेटिंग वाले, वो वीडियो जरूर देखना, हर एक गाड़ी का बनाया, तब भी मैं आपको एक एक इंडिविजुअल बताऊँगा, अच्छे से समझाऊँगा, ठीक है, तो आप अच्छे से एवरेज सेट कर सकते हो। तो कभी भी आप एवरेज सेट करो तो गाड़ी को 5 किलोमीटर चलाने के बाद ही करना चाहिए। क्या रहता है, गाड़ी का इंजन गर्म हो जाता है, उसी समय सेटिंग करोगे तो अच्छा रहेगा। यदि हमने गाड़ी बंद करने में हमने 1400 RPM रख दिया, जब गाड़ी चलती गर्म हो जाती तो वो RPM बढ़ के 2000 हो जाते हैं। इसलिए हम कहते हैं कभी भी गाड़ी की एवरेज सेट करो तो 5 किलोमीटर चलाने के बाद ही सेट करना चाहिए। इसके बाद टेपेट सेटिंग, ये टेपेट रहते हैं, इसके ऊपर इंजन के ऊपर टेपेट रहते हैं, फिर से टेपेट सेटिंग की ज़रूरत बहुत कम पड़ती है। यदि किसी भी बाइक में टेपेट की समस्या आ रही है, आवाज़ कर रहा है, टक 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 की आवाज़ कर रहा है, तो टेपेट सेटिंग करते समय हमेशा इंजन बिल्कुल ठंडा होना चाहिए, तभी सेटिंग करना चाहिए। यदि इंजन गर्म होगा और हमने उस स्टैंडर्ड प्रोसीजर से सेटिंग की, जो गाड़ी रहती है उसका इनलेट का रहता है वो 0.05 mm रहता है, और एग्जास्ट वाले वाल्व का रहता है 0.1 mm, जो स्टैंडर्ड सेटिंग रहती है वो फीलर गेज की सहायता से करते हैं। तो यदि आपने बंद ठंडी गाड़ी में इसकी सेट करना चाहिए और गर्म गाड़ी में नहीं करना चाहिए, ठीक है। अब आपका बहुत सारी ऐसे क्लच रिवर की फिरे फिरे मैंने आपको बता दिए, कार्बोरेटर की सेटिंग बता दी। अब चेन की सिलेंकनेस, जो चेन रहती है ना टाइम ये वाली, उसकी सिलेंकनेस 25 से 30 mm होना जरूरी रहता है। तो आज मैंने आज आपको बताया किस तरीके से जो स्टैंडर्ड प्रोसीजर रहता है, ये आपको ये
12-13 बातें यदि ध्यान में रखोगे तो आप अच्छे से सर्विस कर सकते हो। सबसे पहले धुलाई, दूसरा इंजन का ले ऑयल को चेंज करना, तीसरा एयर फिल्टर को अच्छे से सफाई करना, चौथा रहता है स्पार्क प्लग को देखना, पांचवा रहता है बैटरी चार्जिंग, छठा रहता है स्पार्क प्लग को साफ करना, यानी छठा रहता है आपका शॉक एब्जॉर्बर, यानी आपके शॉकअप को अच्छे से एडजस्ट करना। इसके बाद जो चेन रहती है उसको अच्छे से एडजस्ट करना, तरीके से करना। इसके बाद कार्बोरेटर की ट्यूनिंग जब भी आप करो तो 5 किलोमीटर चलाने के बाद करना चाहिए। टेपेट की आप सेटिंग करो तो आपको कम से कम बिल्कुल इंजन ठंडा होने के बाद ही टेपेट सेटिंग करना चाहिए। तो दोस्तों आशा करता हूँ ये वीडियो आपको जरूर समझ में आएगा। यदि आपको वीडियो समझ में आए तो प्लीज़ मेरे वीडियो को लाइक करें। यदि समझ में आए तो आप लाइक करो, नहीं आए तो थैंक यू। थैंक यू वेरी वेरी मच फॉर वॉचिंग माई वीडियो। मैं प्रकाश कुमार सैनी, थैंक यू।